हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम के बारे में। क्या होता है नंबर सिस्टम? डेटा रिप्रेजेंटेशन। अगर हमारे कंप्यूटर सिस्टम में डेटा को रिप्रेजेंट करना है तो हम जीरो और वन में हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है, ये बाइनरी डेटा को मतलब पहचानता है, या बाइनरी डेटा को वो यूज़ करता है। इसके अलावा वो कोई भी डेटा को यूज़ नहीं करता है। तो डेटा रिप्रेजेंटेशन जीरो और वन में जो कि हम लिखते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम में। अब बाइनरी नंबर क्या होता है? केवल दो डिजिट होते हैं बाइनरी नंबर में, केवल दो डिजिट होते हैं, जीरो और वन। और इसकी बेस वैल्यू क्या होती है? टू होती है। जिसकी दो नंबर है, जीरो और वन, तो उसकी बेस वैल्यू क्या होगी? टू हो गई। ठीक है, इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? आइडेंटिफाई ऐसे किया जा सकता है, वन वन वन, जीरो जीरो वन। तो ये क्या है? बाइनरी नंबर हो गया, और इसका बेस क्या हो गया? टू हो गया। तो ये बाइनरी नंबर हो गया। ठीक है, एक होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम में क्या होता है? इसमें एट डिजिट होते हैं, मतलब आठ डिजिट होते हैं जो कि स्टार्ट होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7। सेवन के आगे आठ नहीं होता है, वो जीरो से स्टार्ट हो गया तो आठ डिजिट हो गया इसके अंदर। तो ये ऑक्टल नंबर सिस्टम होगा। इसकी बेस वैल्यू एट होती है। और इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि हाँ ये ऑक्टल है कि नहीं है? तो वन टू वन, और इसकी बेस वैल्यू एट है, तो मतलब ये ऑक्टल नंबर सिस्टम हो गया। अब डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है? जो हम लोग डेली यूज़ करते हैं वो डेसिमल नंबर सिस्टम है। जैसे कुल 10 अंक होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये डेसिमल नंबर सिस्टम है, इसकी बेस वैल्यू 10 होती है। और आइडेंटिफाइड नंबर जैसे 1 2 1, अब जैसे कि 121 हो गया, हमारा नॉर्मल भी 121 है, तो वो डेसिमल नंबर सिस्टम है और इसकी बेस वैल्यू 10। तो ये हो गया हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, एक होता है हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है? उसमें 16 अंक होते हैं, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 के बाद 10 नहीं आता है, ए आता है, ए बी सी डी ई एफ। तो ए मतलब 10, बी मतलब 11, सी मतलब 12, डी मतलब 13, ई मतलब 14, एफ मतलब 15। तो ये 0 से लेकर के 15, ये 16 अंक हो गए इसके अंदर। लेकिन 10 को हम ए रिप्रेजेंट करेंगे, 11 को हम बी रिप्रेजेंट करेंगे, 12 को हम सी रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसे हम इस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं 15 तक। ठीक है, इसकी बेस वैल्यू 16 होती है और आइडेंटिफाई नंबर होता है 7B16। अब बी का मतलब क्या होता है? बी का मतलब 11 होता है। तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट भी हो सकते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर भी हो सकते हैं। तो ये मैंने एक एग्जाम्पल आपको बता दिया। अब आगे और देखते हैं। अब जैसे नंबर सिस्टम में आपको कन्वर्जन करना है, कि एक नंबर को किसी दूसरे नंबर में कन्वर्ट करना है, तो उसको नंबर सिस्टम कन्वर्जन बोलते हैं। तो जैसे कि कन्वर्ट एनी नंबर सिस्टम टू डेसिमल। अगर किसी कोई भी मतलब एनी नंबर, जैसे ये 8 है, इसका बेस वैल्यू 8 है, इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, मतलब 10 में। तो कोई भी नंबर, 8 हो, 7 हो, 5 हो, 6 हो, ये कोई भी नंबर सिस्टम हो, उसको हम डेसिमल में अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम कौन सा प्रोसेस इस्तेमाल करेंगे? देखिए, हम दिखाते हैं आपको। कोई भी नंबर सिस्टम हो उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना। तो जैसे कि 327 है, 327 को इसका बेस वैल्यू 8 है, तो 327 की बेस वैल्यू 8 से डिवाइड करना है हमें। ठीक है, जैसे कि अब ये 7 है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे 7, तो 7 मतलब 0, तो 7 × 8 की पावर 0। ठीक है, फिर 2 है, 2 × 8 की पावर 1, फिर 3, 8 की पावर 2। ऐसे अगर एक और डिजिट होता तो digit × 8 की पावर 3, ऐसे करके इसको हम लिखते हैं। फिर इसको सॉल्व कर लें, सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो हमारा डेसिमल नंबर हो जाएगा। जैसे कि इसका 8 की पावर 0 मतलब 1 होता है, × 7 7 हो गया, 8 की पावर 1 8, × 2 16 हो गया, और 8 की पावर 2 8 28 64, 64 × 3 192। इसको आप जोड़ेंगे तो 215 ही आएगा। ठीक है, एक एग्जांपल और देखते हैं, बाइनरी टू डेसिमल। अब जैसे कि हमने अभी ऑक्टल देखा था, एनी नंबर सिस्टम, ये ऑक्टल देखा था, अब ये बाइनरी देखते हैं। अब बाइनरी जैसे 1011 है, ठीक है, अब इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है? डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो जो हमारा नंबर है उसको उसी मतलब उसी बेस से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम आ जाएगा। जैसे कि ये नंबर है, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, उसके पावर 0 हो गई, फिर 1 को फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि सेकंड नंबर पे है, तो 2 की पावर 1। ठीक है, फिर 0 2 की पावर 2, फिर 1 2 की पावर 3, ऐसे करके इसको हम डिवाइड, फिर सबको नंबर के बीच हम प्लस करते जाएंगे, ये प्लस ये प्लस,
ये प्लस, ऐसे करके फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद 8 आ गया, 0 हो गया, 2 आ गया, 1 आ गया। अब इसको हम जोड़ लेंगे तो 11 आ जाएगा। तो ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल हो गया। एक और एग्जाम्पल देखते हैं पॉइंट में, जैसा कि 52.34 ये है। ये कौन सा सिस्टम है? 6 है, इसका बेस वैल्यू 6 है। इसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो जो बेस वैल्यू 6 है इससे हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले हम डेसिमल पॉइंट को अलग मल्टीप्लाई करेंगे और जो नॉन डेसिमल पॉइंट है उसको अलग मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे ये 2 है, 2 इंटू 6, ठीक है, 5 इंटू 6, 6 की पावर 1, तो ये अलग हो गया। फिर प्लस, फिर 3 जो है, 3 इंटू 6 की पावर माइनस, अब यहाँ 0 नहीं आएगा, यहाँ माइनस 1 आएगा, ठीक है, क्योंकि 0 हो गया, इसके बाद माइनस 1 आएगा। तो 3 इंटू 6 की पावर माइनस 1, फिर 4 इंटू 6 की पावर माइनस 2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 32। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 1/2 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/9 आएगा। अब इन सबको जोड़ लेंगे, अगर आप इसको जोड़ेंगे तो 32.611 ये आ गई, ये हमारी डेसिमल वैल्यू आ गई, ठीक है। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। अब ये क्या है? ये हेक्सा डेसिमल वैल्यू है, इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो C7, तो C7, सी मतलब आप जानते ही हैं कि 12 होता है, ठीक है। तो इसको पहले हम नॉन डेसिमल पॉइंट को अलग कर लेंगे और डेसिमल वैल्यू को अलग कर लेंगे। तो ये 7 है, 7 इंटू 16 की पावर 0, क्योंकि बेस वाली 16 है तो उसकी पावर 0, ठीक है। फिर सी, सी मतलब 12, तो 16, अब ये सेकंड वैल्यू 1 है तो इसकी 16 की पावर 1, ठीक है। फिर वो डॉट 5, 5 16 की पावर माइनस 1, तो अब ये अलग हो गया। फिर इसके बाद बी, बी मतलब 11 होता है, 11 इंटू 16 की पावर माइनस 2। अब इसको जोड़ लेंगे, जब जोड़ने के बाद क्या वैल्यू आएगी? ये आ जाएगी 199.355, ये हमारी डेसिमल वैल्यू हो गई, ठीक है। अब हमें क्या करना है? डेसिमल टू एनी नंबर सिस्टम, अगर आपको डेसिमल नंबर दे दिया है और उसको कोई भी नंबर सिस्टम में आपको बनाना है तो हम क्या करेंगे वो हम देखते हैं। डेसिमल टू एनी नंबर सिस्टम, अब डेसिमल टू ऑक्टल में बनाना है हमारे, मान लो एग्जाम में हमें डेसिमल नंबर दे रखा है उसको हमें ऑक्टल में बनाना है तो हम क्या करेंगे। अब जैसा कि ये 139 दे रखा है, 139 दे रखा है, 39 को हम क्या करेंगे, जो हमें जिस चीज़ में बनाना है उससे हम उसको डिवाइड कर देंगे। जैसे कि डेसिमल वैल्यू ये दे रखी है उसको हमें ऑक्टल में बनाना है तो हम ऑक्टल वैल्यू वैल्यू से हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो हम जो डेसिमल वैल्यू है उसको अलग लिख लेंगे और नॉन डेसिमल वैल्यू को अलग लिख लेंगे। अब नॉन डेसिमल वैल्यू ये लिखी हुई है तो 8 को हम 139 से डिवाइड करेंगे, तो 8 वन ज़ा 8, क्या बचा है इस पास? 5 बचा, 5 से जब इसको 59 को करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 56, 7 बार जाएगा तो 7 17 हो गया, और हमारी क्या बोला रिमाइंडर, वो हमारी रिमाइंडर कितना बचा? 3 बचा, ठीक है, हो गया। फिर 8 को हम 17 से डिवाइड किए, 8 को 2 बार जाएगा मतलब 16 आ जाएगा, तो 2 बार गया, ठीक है, 16, 1 बचा मतलब 1 शेष बचा, तो 1 यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब इसके बाद आगे और वैल्यू जाएगी नहीं, तो ठीक है, फिर इसको नीचे से लेकर के ऊपर तक की वैल्यू को हम लिख लेंगे। जैसे 213 लिख लिया, ठीक है। फिर पॉइंट, अब पॉइंट वाली वैल्यू को कैसे हैंडल करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि 2 है, तो अब और कोई नंबर है लिखा नहीं है 2 के आगे, और कोई नंबर्स तो है नहीं, तो पॉइंट 2 इंटू 8, क्योंकि ऑक्टल है ना, तो इंटू 8 कर देंगे। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.6 आ जाएगा, ठीक है। तो हमें जो पॉइंट की वैल्यू है वो नहीं लेनी है, हमें जो नॉन डेसिमल वैल्यू है वो लेनी है, ठीक है। तो हम ये आ जाएगा 1.6, फिर इसके बाद 0.6 को लेंगे, फिर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 4.8 आ जाएगा, फिर 8 को लेंगे, फिर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6.4 आ जाएगा। बस ये 3 तक ही वैल्यू लेनी है, आगे आपको लेनी नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमें ज़्यादा नंबर ये बढ़ता ही चला जाएगा आगे और आपकी वैल्यू सॉल्व नहीं होगी। तो एग्ज़ाम में बस केवल 2 पॉइंट तक ही वैल्यू सफिशियंट होती है। तो हम जो नॉन डेसिमल वैल्यू है उसको हम लिख लेंगे 1.46। अब जो डेसिमल वैल्यू है वो ऊपर से लेकर नीचे, ऊपर से लेकर के नीचे तक लिखते, और नॉन डेसिमल वैल्यू है जैसे 139, ये नॉन डेसिमल वैल्यू है तो इसको 213 नीचे से लिखते हैं, तो 213.146 ये हमारी वैल्यू हो गई, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं, 139.2 ये डेसिमल वैल्यू है, इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है? 5 में कन्वर्ट, बेस वैल्यू 5 में कन्वर्ट करना है। डेसिमल टू एनी नंबर सिस्टम,
हमें कन्वर्ट, तो हमें इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, 5 से डिवाइड कर देंगे। 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार जाएगा, इस बार 3 बचा, 39 हो गया। 39 को कितनी बार जाएगा, 7, 35 हो गया, कितना हो, 4 बचा, तो 4 इसके हमारे रिमाइंडर हो गया। फिर 5 से करेंगे, 5 5 जा 25 होता है, और हमारा रिमाइंडर 2 बचा, ठीक है। फिर इसके बाद 5 से करेंगे तो 1 आ जाएगा और रिमाइंडर हमारा 0 बच जाएगा। हम नीचे से लिखेंगे 1024, 1024 ऐसे लिखेंगे। फिर पॉइंट पॉइंट को अलग हैंडल करेंगे, 0.2 × 5, क्योंकि 5 है ना, हमें 5 में ही तो कन्वर्ट करना है इसको, तो 0.2 × 5 तो हमारा कितना हो, 1.0। अब जहाँ 0 आ गया, फिर इसके बाद हमें कैलकुलेट नहीं करना है, क्योंकि अगर हम 0 से कैलकुलेट करेंगे तो फिर 0 आएगा। तो जहाँ हमें 0 दिख गया पॉइंट, जैसे कि अब इसको हमने मल्टीप्लाई किया, 1.0 आया, ठीक है। तो 0 आने के बाद हमें आगे कैलकुलेट नहीं करना है, आप कैलकुलेट करके भी देख लीजिए, 0 है, 0.5 करेंगे तो फिर 0 हो जाएगा, तो हमें यहाँ स्टॉप हो जाना है। तो हमारे क्या वैल्यू आएगी, 1 आ गई, तो हमें 1 लिख देना है, ठीक है। तो 1024.1, ठीक है, ये हमारा बेस वैल्यू 5 में हो गई, ठीक है। अब हमें क्या करना है, कन्वर्ट एनी नंबर टू एनी नंबर सिस्टम। अगर हमें किसी भी नंबर को किसी नंबर में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना है, हमें वही रूल अपनाना है जो हमने आगे देखा था, वही रूल अपनाना है, एनी नंबर सिस्टम टू डेसिमल, डेसिमल नंबर टू एनी नंबर, ऐसे हमें कन्वर्ट करना है। इसके कई शॉर्टकट भी होते हैं, वो शॉर्टकट मैं आपके आगे वाले वीडियो में बताऊंगा, जो आगे मैं अपलोड करूंगा वीडियो, लेकिन पहले आपको ये सॉल्व करना है, ये चीज़ें आनी चाहिए, फिर इसके बाद शॉर्टकट तो हम बाद में, अगर आप शॉर्टकट भूल जाते हैं तो आपका ये बेस, जो बेस हमने बनाया है आपको पढ़ाने का, ये तो आपको आना ही चाहिए, ठीक है। अब जैसे कि हमें एनी नंबर सिस्टम को डेसिमल करना है, डेसिमल टू एनी नंबर करना है, तो जैसे ये एनी नंबर है, ये भी एनी नंबर है, ये कोई भी नंबर, 5 है बेस वैल्यू, ये भी 5 है, उसमें डेसिमल इसमें नहीं है कि हाँ डेसिमल में होना चाहिए फिर हम उसको किसी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें, एनी नंबर सिस्टम, एनी नंबर सिस्टम। तो जो एनी नंबर सिस्टम है, इसको हम पहले डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, फिर डेसिमल को फिर एनी में करेंगे। तो हम जैसे ये 5 है, 3 3 4 2 है, तो 3 4 2 5 है, तो इसको सेल्फ से करेंगे, मतलब 5 जो इसका मतलब बेस वैल्यू है, इसको खुद से करेंगे तो डेसिमल हमारी वैल्यू हो जाएगी। तो हमने 2 × 5 पर 0, 4 × 5 पर 1, 3 × 5 पर 2, इसको किया 97, ये डेसिमल में वैल्यू होगी। अब डेसिमल को हम एनी वैल्यू में चेंज करेंगे, एनी वैल्यू में किस में चेंज करेंगे, 7 में चेंज करना चाहते हैं, तो 7 में चेंज करने के लिए हमें 7 से डिवाइड करना पड़ेगा, जब 7 से डिवाइड करेगा तो 13 आएगा, इसकी जो हमारा रिमाइंडर बचेगा वो 6 आएगा, फिर 7 से किया 1 आएगा, इसका रिमाइंडर कितना बचेगा, हमारा 6 बचेगा, तो ये वैल्यू हो गई 1 6 1 1 6 6, तो 1 6 6, ये हमारी बेस वैल्यू 7 में आ गए। सो ऐसे नंबर सिस्टम इतना ही आएगा हमारा, मतलब जो एग्ज़ाम होने वाला है यूपी वाला, इसमें इतना ही आएगा, आगे आपको आएगा नहीं, क्योंकि इसमें नंबर सिस्टम लिखा हुआ, नंबर सिस्टम बहुत बड़ा है, लेकिन जो नंबर सिस्टम जो मैंने आपको बेसिक बताया है, नंबर सिस्टम में इतना ही आता है। सो थैंक यू।